गेहूं की आटी और फ्रेश कच्चे हरे मटर से आज मैं आप लोग के साथ एकदम हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को बनाने के बाद से आपको रोटी सब्जी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक से दो खाएंगे आपका पेट भी भर जाएगा और आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे भी ठंड का मौसम आते ही सभी के घरों में और मार्केट में हरे मटर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो चलिए फटाफट से बना करके रेडी कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे एक कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा सभी के घर में इजीली मिल जाता है। उसके बाद से डालेंगे आधा कप के करीब सूजी। सूजी से इसमें बहुत ही अच्छा क्रिस्पीपन आएगा। और उसके बाद से दो चम्मच के करीब हम लोग बेसन डाल देंगे। बेसन से बाइंडिंग भी अच्छी होगी और टेस्ट भी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अभी इन तीनों चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद से अब इसमें डाल देंगे एक कप के करीब पानी। और पानी डालने के बाद से एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ऐड करते जाएंगे और इसका एक बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा, तो बिल्कुल आपको इस कंसिस्टेंसी में बैटर बना करके तैयार कर लेना है जैसा आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अभी हम लोग इसे ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तब तक के लिए एक नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। अभी मिक्सी ग्राइंडर में एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट करके डाल देंगे। और उसके बाद से हम लोग एक कप के करीब फ्रेश हरे मटर डाल देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। थोड़ा सा साबुत धनिया और जीरा डाल देंगे। आप चाहें तो पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा सौंफ डाल देंगे। और उसके बाद से नमक डाल करके इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता टेस्ट के लिए। उसके बाद से 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डाल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे और इस तरीके से दरदरा पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरीके से दरदरा ही बनाना है। उसके बाद से यहाँ पे हमारा बैटर भी सेट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सूजी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। और अभी जो हमने हरे मटर का दरदरा पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल देंगे। और वो डालने के बाद से इसमें कुछ मसाले डालेंगे चटपटा बनाने के लिए। सब मसाला पाउडर डाल देंगे आप जो भी यूज़ करते हैं, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं या फिर आपको जो नहीं पसंद आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पे मैंने एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मोटी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा बस पानी मिक्स करके डाल दूँगी मिक्सी ग्राइंडर में से। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपको बैटर बना करके तैयार कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अभी इस तरीके से एक थाली लेंगे जो थोड़ा सा गहरा भी हो और उसके बाद से हम लोग उस पर अच्छी तरीके से तेल लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद से अब बैटर को इसमें डाल देंगे। यहाँ पे जो हमने बैटर की कंसिस्टेंसी बना करके तैयार की है ना, ये ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा, तो ये पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से भी पक जाएगा। तो एक बार इसे अच्छी तरीके से टैप करके सेट कर लेंगे ताकि इवेनली चारों तरफ फैल जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। हाई फ्लेम पे जब पानी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम लोग इसमें आराम से इसको सेट करके रख देंगे। अभी हमें इसे अच्छी तरीके से स्टीम करना है, तो ढक करके हम लोग थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्टीम हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट लगेगा या फिर आपका उससे ज़्यादा लग सकता है, लेकिन 10 मिनट में अच्छी तरीके से स्टीम हो जाएगा। बस बीच बीच में चेक करते रहिएगा, जब भी स्टीम हो जाए आप उसे आराम से चेक करके बाहर निकाल लीजिए। बस एक बार चेक कर लीजिएगा टूथपिक या स्टिक से ताकि अंदर कच्चा ना रह जाए। जब अच्छी तरीके से स्टीम हो जाए तो बाहर निकाल करके थोड़ी देर के लिए साइड रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो साइड साइड से प्लेट को ये खुद ही छोड़ देगा। यहाँ पे ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है। अभी हम लोग इसे चाकू की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। तो पहले मैं प्लस का साइन बनाऊँगी, फिर उल्टा प्लस का साइन बनाऊँगी और इस तरीके से
कट कर लूंगी। ये देखिए बिल्कुल इसे ट्राइंगल पिज्जा शेप में कट कर लिया है। अभी हम लोग बिल्कुल इसे आराम से निकालेंगे और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है ना, अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है अंदर से भी। इसे और मज़ेदार बनाएंगे तो एक पैन में हम लोग थोड़ा सा तेल डालेंगे, बस हमें इसे सैलो फ्राई करना है। तो जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो बिल्कुल इसे आराम से इसमें रखते जाएंगे और लो से मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसे उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छी तरीके से क्रिस्पी करारी फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले आपने हरे मटर की ऐसी रेसिपी बना करके नहीं ट्राई की होगी, तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छी तरीके से इसे सैलो फ्राई कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़्यादा तेल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है और अच्छी तरीके से फ्राई भी हो चुका है। तो साइड से भी कच्चा ना रह जाए तो इसे ऐसे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म फ्रेश हरे मटर का नाश्ता बनकर के तैयार है। इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर टमाटो केचप के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। अगर आपने इसे एक से दो खाया तो पेट भी भर जाएगा और तो और ये हेल्दी भी है। तो इंजॉय कीजिए, मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।